अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको खुश आमदीद कहता है। मैं हूं आपके मेंटर जवाब यूनस, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूं वो है पेपर कट लेआउट, जो कि इलस्ट्रेशन में आपको सिखाने जा रहा हूं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है और डिफरेंट है बाकी क्लासेस से, लेकिन इस तरह के काम करने के लिए हम लोग तो ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकल काम भी करते हैं, लेकिन तो इस क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले हमारे चैनल को। ये राइट साइड पे बॉटम पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलें चलते हैं हमने ट्यूटोरियल की तरफ कि हमने किस तरह इसको पेपर कट लेआउट पे बनाना है। ये सबसे पहले मैंने डिफरेंट जो है कलर स्कीम्स मैंने गूगल से निकाल ली और एक रेड कलर मेन कलर ले लिया, और उसके अलावा ये जो है मैंने कोई भी आप इंसान का मर्द का भी ले सकते हैं या कोई जानवर का भी ले सकते हैं, या इससे जाना वेक्टर वेक्टराइज इसको पेपर कट लेआउट बनाने के लिए। तो मैंने एक गर्ल वेक्टर से सर्च किया और इसको जस्ट मैं ले आया अपने इलस्ट्रेटर में और इसको ऐसे इमेज ट्रेस कर दिया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है ना एक बॉक्स ले लूँगा। इसको मैंने बॉक्स बना लिया और इसको ओवरऑल सबसे पहले मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। आल्ट प्रेस करके एक मैंने कॉपी ले ली ताकि मेरे पास बैकअप पड़ा हो। फिर मैंने इसको जो है ना एक बॉक्स बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। फिर इसको ओवरऑल लेफ्ट क्लिक कर किए रख के दोनों को सिलेक्शन कर दी। दोनों को सिलेक्शन करने के बाद मैं ये क्लिक करूँगा ताकि जो है ना इसकी आउटलाइन जो है ना के अंदर अंदर ये सब कुछ ख़त्म कर दे और बाहर वाली के थ्रू एक आउटलाइन बना दे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट आपको दोबारा बताता चलूँ, मैंने जस्ट पाथ फाइंडर में गया और एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड का मतलब कि अंदर वाली साइड को वो ख़त्म कर दे। अगर आपने पाथ फाइंडर की क्लास नहीं पढ़ी तो मैं आपको कहूँगा पाथ फाइंडर में जाके आप ये क्लास कर सकते हैं पाथ फाइंडर की। तो ये चीज़ मैंने बना ली। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कंट्रोल वाई प्रेस करना है। कंट्रोल वाई प्रेस करने का क्या मतलब होगा, ये आउटलाइन में चला जाएगा ओवरऑल कि इसकी आउटलाइन क्या आ रही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और एक पाथ पे जाके मैं इसको जो है ऑफसेट पाथ कर लूँगा। ऑफसेट पाथ ये सेंटीमीटर से हुआ हुआ है। मैं इसको सबसे पहले इसकी प्रेफरेंस चेंज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट सेटिंग्स में जाके इसको एज ए पिक्सल कर लेता हूँ ताकि जो है समझाने में आपको आसानी हो मुझे। तो ऑब्जेक्ट पे मैं जाऊँगा फिर दोबारा से और जहाना पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ करूँगा और इसको एज ए 10 ऑफसेट पाथ कर दूँगा। ओके, फिर अगेन इसको सेलेक्ट ही रहने देना है। फिर आप दोबारा जाएंगे पाथ पे, ऑफसेट पाथ पे, फिर 10, तो इस पाथ पे तो आप देख सक रहे हैं कि ऑफसेट पाथ बनते जा रहे हैं। उसके अलावा एक और ऑफसेट पाथ हम लोग लगा लेते हैं, ऑफसेट पाथ पे गए और ये क्लिक कर दिया। ओके, उसके अलावा इसको सिलेक्शन में रहने दिया, फिर इसको पाथ में दिया और ऑफसेट पाथ कर दिया। फिर मैं इसी में गया, पाथ में गया, ऑफसेट पाथ में गया और ऐसे टाइम में गया। तो मेरे ख्याल से इतने पाथ काफ़ी होंगे केक को कलराइज करने के लिए और इफेक्ट बनाने के लिए। फिर मैं कंट्रोल वाई दबाऊंगा दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। सबसे पहले ये जो सबसे कॉर्नर वाला है उसको मैं सबसे डार्क कलर दे देता हूँ, फिर उससे लाइट कलर दे देता हूँ, फिर उससे भी लाइट कलर दे देता हूँ, फिर उससे लाइट कलर दे देता हूँ, फिर उससे लाइट कलर दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब लाइट कलर हो गए। अब मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, बिल्कुल जो आउटलाइन है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त की शेप हमारे सामने आ गई है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, इसको मैं पकड़ के साइड से कर लेता हूँ। फिर मैं जो है ना फिर दोबारा कंट्रोल वाई कर लेता हूँ,
तो अब मैंने देखना है कि यार जिधर से डायरेक्टली लाइंस आ रही हैं इसको थोड़ा सा टर्न करना है मैंने, स्मूथ बनाना है ताकि जो है ना इसकी शेप मजे की आए शेप की। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पेंसिल टूल पे अपने जाऊँगा, पेंसिल टूल मैंने आपको समझाया था, पेंसिल टूल में जाऊँगा, उसकी क्रेडिबिलिटी मैं जो है ना 100% कर दूँगा। की सिलेक्टेड को ओपन करूँगा, इसको क्लोज पाथ को ओपन करूँगा और एडिट सिलेक्टेड पाथ को और सिक्स रख दूँगा, ठीक है, ओके करूँगा। फिर कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करूँगा तो की को मैं सेलेक्ट कर सकूँगा। तो नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें थोड़ा सा एक रोटेशन आ जाए, बस मैं क्लिक करूँगा और इसको ये रोटेशन ले आऊँगा। ओके, जिन जिन पार्ट में थोड़ी सी रोटेशन नहीं है उनको रोटेशन लाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने रोटेशन ला रहा हूँ इन सब में, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और ड्रैग करके उसको जाके छोड़ देता हूँ। ये सिलेक्शन से आपको समझ आ रही होगी कि यार कि किस तरह जो है इसने इसकी रोटेशन क्रिएट की है, कि कौन सी चीज़ क्या भी आप रोटेशन करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसको मैं इसके साथ मर्ज कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल प्रेस किया, ओके जी, सबसे कॉर्नर गली को मैंने सेट आउट कर लिया है। फिर उससे नेक्स्ट गली पे मैं आता हूँ, फिर कंट्रोल प्रेस किया और नेक्स्ट गली को सिलेक्ट कर दिया। ओके, क्लोज अप में कर लेता हूँ। तो जो जो चीज़ आपको लगती है कि आप सेट आउट कर सकते हैं जो चीज़ और अच्छा है इसको बनाने के लिए, तो उसको आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक मैंने इसको सेट कर दिया है, और ये लास्ट वन इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ। फिर कंट्रोल वायर सेट करके मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मैंने काफ़ी हद तक इसको सेट कर दिया, और भी ये सेट हो सकता है, वहाँ की चॉइस है कि आप इसको कितना सेट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ होगी, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ कि मैंने इसको ओवरऑल सिलेक्शन कर ली साइड से लेफ्ट क्लिक करके, ये सब मेरे पास सिलेक्टेड हो गया, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और ये सिलेक्शन हो गई। फिर मैं क्या करूँगा, मैं सब अपेयरेंस पे जाऊंगा। अपेयरेंस अगर आपके पास मेन्यू नहीं आ रहा तो आप विंडोज़ में जाके अपेयरेंस के मेन्यू को इसको ओपन कर सकते हैं। फिर एफेक्ट्स पे जाएंगे, एफेक्ट्स पे जाने के बाद आप जो है ना आर्टिस्टिक पे जाएंगे, फिर उसको एज ए फिल्म ग्रेन्स पे जाएंगे। फिल्म ग्रेन्स का क्या फ़ायदा होगा, और इसको जो है ना एज ए 2 देना है और इसको 0 देना और नीचे वाले बटन देना और ओके कर देना। तो इस पर एज ए ग्रेन्स अप्लाई हो जाएंगे। ग्रेन्स मीन्स अगर कोई आप पेज भी देखते हैं, आम जो पेज देखते हैं उस पर भी अगर आप देखते हो तो इस पर मेरे ख्याल से ग्रेन्स अप्लाई नहीं हुआ, इसको मैं अलग से कर देता हूँ ग्रेन्स अप्लाई। तो ये ओके मैंने कर दिया, ओके जी, अब इसमें भी ग्रेन अप्लाई हो गया है, ये आप देख सकते हैं एग्जाम में ग्रेन्स अप्लाई हो गया है, जो कि एज ए जैसे कि पेपर में भी ग्रेन सप्लाई होते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमारे सामने आगे किया। फिर मैंने ओवरऑल सिलेक्शन की, फिर मैं गया, चलो अब इधर से मैं आपको सिखाता हूँ। फिर मैं जाना इफेक्ट्स पे गया, स्टाइलाइज पे गया और ड्राफ्ट पे लेकर चला गया।
ड्रॉप शेडो फिर मैं इसको दे देता हूँ 50% ड्रॉप शेडो दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके जी ये चीज़ बन गई है। ओके तो फिर मैं इसको ऐसे ओके कर देता हूँ। ओके मैंने कर दिया तो फिर उसके बाद ये जो वाइट आ रहा है ये बहुत बुरा लग रहा है, इसको सेट आउट करने के लिए मैं बस एक रेक्टेंगल बना लूँगा और उसको सेम टू सेम ये चीज़ दे दूँगा और उसको ऐसे बैक कर दूँगा साइड टू बैक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट कितना मज़े का लग रहा है। ओके ये सबसे टॉप वाला है, इससे मैं चाह रहा हूँ कि आप मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँ। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा और इसको एज ए रेड कर दूँगा पसंद करके। ये वाला रेड कर दूँगा, मेरी चॉइस है कि मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसको लिटल बिट मूव कर दिया इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है इफेक्ट, पेपर कटआउट मैंने आपको बना के दिखाया। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक कि आपने पेपर कटआउट कैसे बनाना है और कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आर्टिस्ट में, या किसी का भी बंदे का या किसी भी चीज़ का कटआउट बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। ये थी सिंपल सी टेक्निक, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलें मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, दीवार में नक्सल दीजिए अल्लाह हाफिज़।